अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति गलत तौर पर बातें करता है, उनसे कहो कि आप ऐसे बातें नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के जन्मे हो। उन्हें डांटो नहीं, लेकिन उनको बताओ कि आप परमेश्वर से जन्मे हो, आप ऐसे बातें नहीं कर सकते, आप निराश में नहीं रह सकते, आप तनाव ग्रसित नहीं रह सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं वक्त से पहले मर जाऊंगा, आप ये सब बातें नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के संतान आप है, परमेश्वर के आप चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है और वो आपका इस्तेमाल करेगा। ऐसे जो निराशा वाले लोग हैं, उनको उनकी निराशाओं से बाहर निकलो। आपके शब्द जो है उनको उनकी निराशाओं से बाहर निकालेंगे। आपकी कर्जे से आप बाहर आ जाओगे जब आप बोलना चालू करोगे, जब आप डिक्लेयर करना चालू करोगे। एक आखिरी चीज कहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहे थे अपने सेवकाई के शुरुआत में, बाइबल कहता है शैतान आया और उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाने के लिए। और अगर यीशु कहते पत्थर रोटी बन जा, तो रोटी बनते थे वो पत्थर। अगर पत्थर बोल सकते हैं तो पत्थर रोटी भी बन सकते हैं। यीशु ने कहा कि पत्थर बोल उठेंगे तो वो पत्थर रोटी भी बन सकते हैं, रोटी भी बन सकते हैं। शैतान को मालूम था कि इनके शब्द स्थिति को बदल देंगे, इसीलिए वो चाहता था कि वो शब्द बोले ताकि शत्रु शब्दों को पकड़े। यीशु जानते थे कौन से शब्दों को बोलना है। शत्रु चाहता है कि आपकी स्थिति में कि आप बस वर्ड रिलीज करे और वो आकर पकड़ ले। वो हमें ऐसे विवश करता है कि हम बस बोलना चालू करें कि मेरा परिवार कभी उद्धार में नहीं आ सकता, मेरा परिवार शायद यीशु को स्वीकारेगा नहीं, शायद जिसने मेरा पैसा लिया है शायद वो लौटाएगा नहीं, जिसको मैंने पैसे दिए। एक भाई ने कहा, हम जब एक सभा में थे, पास्टर प्लीज प्रार्थना करें कि मेरा 2 लाख रुपए व्यक्ति के पास है और मुझे नहीं लगता कि वो देगा करके। मैंने कहा नहीं देगा वो, क्योंकि आपको लगता नहीं है तो देगा कैसे। मैंने कहा विश्वास करना चालू करें कि वो जहां भी है उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, नहीं है वो कहीं चला गया, आप विश्वास करें कि वो जहां कहीं है वो आपके पैसे ला कर देगा। आप विश्वास करना चालू करें, परमेश्वर काम करना चालू करें, आप विश्वास करना चालू करें, परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलना चालू करेगा। आप विश्वास करना चालू करें, परमेश्वर आपके शरीर को बदलना चालू करेगा। आप विश्वास करना चालू करें, परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलना चालू करेगा। आप विश्वास करना चालू करें, परमेश्वर आपके परिवार को बदलना चालू करेगा। आप बस विश्वास करें चालू करें, आप विश्वास करना शुरू करें कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप ये करोगे, मैं जानता हूं प्रभु ये चीज होगा, मैं जानता हूं परमेश्वर आप ये करोगे, प्रभु आप ये करने की शक्ति रखते हो, आप ये करने का सामर्थ्य रखते हो। और जब आप बोलना चालू करोगे परमेश्वर करना चालू करेगा। हालेलुया, आप विश्वास करें तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस समय सभी लोग। विश्वास करना चालू करें, अपनी आंखों को बंद करें और जो असंभव बातें आपके जिंदगी में हैं अपने विश्वास से देखना चालू करें कि वो असंभव बातें, वो कठिन बातें आपको छोड़कर चली जा रही है। आप देखना शुरू करें, वो सारी कठिन बातें आपको छोड़कर चली जा रही है, वो सारी असंभव बातें आपको छोड़कर चली जा रही है, वो सारी गलत बातें आपको छोड़कर चली जा रही है। आप विश्वास करना शुरू करें, हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, हमारा वो परमेश्वर जो विश्वास का आदर करता है और उसने विश्वास करने का पात्रा हमारे हृदय में डाला है। आपको नया कुछ नहीं करना है, बस जो विश्वास डाला है उस विश्वास में कार्य करना चालू करो। Jesus, we love you. Oh, Yeshua. विश्वास करना चालू करो, परमेश्वर देखता है उन बातों को। Hallelujah, Jesus. आप रिजेक्टेड नहीं है, आप तिरस्कार किए हुए नहीं है, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप परमेश्वर से जन्मे हैं। Hallelujah, Lord Jesus. अगर यहां पर कोई है जो बहुत वेदनाओं से गुजर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं चेले इसीलिए बढ़ती हुई आंधी को देख पा रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा
कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम मरने पर हैं, इसलिए आंधी बढ़ रही थी। लेकिन अगर चेले सोचते कि नहीं, आंधी हमें मार नहीं सकती है, तो आंधी कभी उठती नहीं थी। आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये बीमारी क्यों, कैसे, कब, ये सवालों की वजह से बीमारी बढ़ रही है। प्रभु कहता है कि वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको बीमार नहीं देखना चाहता। इसे रिसीव करें और कहना चालू करें कि मैं बीमार नहीं हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलना चालू करें और आप अपने शरीर में चंगाई को पाओगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। जो सांप से डसे हुए लोग थे, मूसा उनसे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत पीड़ा में हो, दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द के ऊपर से अपने स्थिति को हटाओ, अपने नजरों को हटाओ और उस पीतल के सांप पर ध्यान दो, क्योंकि वहां से चंगाई आएगी। और जितनों ने उस क्रूस की ओर ध्यान दिया, वे सब लोग चंगे हो गए, ऐसे बाइबल कहता है। आज यही चीज आपको भी करना है, उस क्रूस की ओर ध्यान दो। प्रभु करेगा, यहां पर कोई तो सोच रहे कि क्या प्रभु मेरे जीवन में भी करेगा। हाँ, आपके जीवन में भी करेगा, बस विश्वास करें। प्रभु आप कर सकते हो, आपने किया है और प्रभु करेगा वैसे ही। प्रभु आपके परिवारों में चंगाइयों को लेकर आएगा, प्रभु आपके शरीरों में चंगाइयों को लेकर आएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। किसी के तो परिवार में मैं देखने पाता हूं कि वो शराब के लत्थों में डूबे हुए हैं। जर तुमचा घरामधी असो कोण व्यक्ति आहे जो दारू पीता आहे, तुम्हाला तुम्हाला सांगायचं आहे, त्या व्यक्तीला तुम्ही समर्पण करा। प्रभु मला माहिती आहे यो व्यक्ति तुझ्याकडनं आहे आणि येशूच्या नावाने यो व्यक्ति तुझा लेकरो आहे, प्रभु तुझा मुलगा आहे, तुझी मुलगी आहे, तुम्ही बोलायला चालू करा आणि देव त्या व्यक्तीचं नियंत्रण घेणार। असं कधीच बोलू नका, कधीच बोलू नका की या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये काय तर वाटोळं झालं पाहिजे। नाही, असं बोलू नका, कारण तुमचे शब्द महत्वाचे आहे, आपके आपके वर्ड्स, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। प्रभु आपको छुटकारा देगा, आज आपके आशीष का दिन है, आज प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते राजा उन हर एक लोगों के लिए जो यहाँ पर है, जो मौजूद है प्रभु जी। प्रभु आपके आत्मा से हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आप स्पर्श करें, छुए हर एक लोगों को, इनके जिंदगियों को बदले प्रभु, इनके जीवन में परिवर्तन को लेकर आए, इनके जीवन में बदलाव को लेकर आए, सारी गलत बातें इनके जीवन में से तोड़ते हैं, सारे बंधनों को तोड़ते हैं। परमेश्वर आपके शांति को इनके जीवन में कहते हैं प्रभु जी, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।